हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक कहानी लेकर आई हूँ देसी ऑडियो बुक में। बहुत मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ जिसमें आप लोग सुन के पानी पानी हो जाएंगे। चलिए सुनाते हैं कहानी। दोस्तों, मेरा नाम आरती है, मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। हम बहुत बड़े परिवार में रहते हैं। मेरा परिवार में मेरे पति प्रतीश, मेरे दो बच्चे पायल और राहुल तथा प्रतीश के मामा का लड़का राजेश, जो मेरा पति बन चुका है, हम लोग मिलकर रहते हैं। मेरी उम्र 30 वर्ष है। मेरी शादी वर्ष 2008 में प्रतीश के साथ हुई थी। प्रतीश मुझसे करीब 15 साल बड़े हैं। यह हॉट भाभी देवर की प्रेम कहानी पर बनी है, पति की इच्छा पर ही बनी है। मेरा फिगर काफ़ी हॉट है, ऐसा मेरे पति प्रतीश कहते हैं। मेरा फिगर साइज 34-38 है। शादी के 4-5 साल हम दोनों की प्यार लाइफ सही चल रही थी, लेकिन उसके बाद एक दिन मेरे पति मुझे से कहने लगे, आरती यार, मैं तुम्हारे लिए कम पड़ता हूँ। मुझे लगता है कि तुमको दो मर्द मिलकर प्यार करें। मुझे बहुत गु़स्सा आया और मैंने प्रतीश से गुस्से से कहा, आगे से आप ऐसा नहीं बोलें। प्रतीश ने मेरे गुस्से को देखकर चुप हो गए। उसके 3-4 दिन बाद हम प्यार करने के लिए बेड पर लेटकर हॉट फिल्म देख रहे थे। हॉट फिल्म में एक औरत को दो मर्द मिलकर प्यार कर रहे थे। उस औरत को भी बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने हॉट फिल्म देखकर बहुत गर्म हो गई थी। तभी प्रतीश ने मुझसे पूछा, जान, क्या तुमको दो मर्द मिलकर प्यार करें? मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं बहुत जोश में हो गई थी और मुझे भी दो मर्दों से प्यार करने को मन कर रहा था। प्रतीश ने मुझे कहने लगा, मामा जी के लड़के राजेश को बुला लें क्या? मैंने भी पूरे जोश में थी, इसलिए मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया। राजेश के नाम से मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सा रोमांस शरीर में दौड़ने लगा। मैं राजेश को महसूस करने लगी। प्रतीश को मैंने राजेश समझ के इतनी ज़ोर से काट लिया कि प्रतीश की चीख निकल गई। मैं शिशकारी ले रही थी। ऐसे ना जाने मैं क्या क्या कहे जा रही थी। मुझे रहा नहीं गया, लेकिन प्रतीश से प्यार नहीं कर रहा था, ऊपर ही लेटा पड़ा था। बिना पानी की मछली जैसे तड़पती है, वैसे तड़प रही थी। तभी प्रतीश बोला, राजेश से प्यार करने का वादा करो तो ही मैं तेज तेज करूँगा। मैंने तुरंत वादा कर डाला, तुम जब कहो मैं राजेश से प्यार कर लूँगी। अब तो डाल दो अंदर, वादा कर लिया मैंने। तब जाकर प्रतीश ने मेरे से प्यार करना शुरू किया। मैं राजेश को महसूस करते हुए अपनी करीब 20 मिनट बाद अकड़ गई। अगले दिन शाम को दोबारा से प्रतीश ने राजेश से प्यार के लिए मुझे उकसाने लगे। बार बार उकसाने पर मैं राजेश के बारे में सोचने लगी, परंतु मुझे यह सब गलत लग रहा था, क्योंकि मैं एक पतिव्रता भारतीय नारी हूँ। रात को प्रतीश ने मुझे मेरे वादे का वास्ता देकर राजेश से प्यार के लिए जिद करने लगे। मैंने प्रतीश को बोला, मुझे थोड़ा समय दो। इस तरह सोचने, विचारने और बातें करने में करीब 1 साल निकल गया। मैं राजेश को महसूस करने लगी थी। होली आने वाली थी, मैं पता नहीं क्यों राजेश के नज़दीक आ गई थी। मुझे उससे बातें करना, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता था। सही कहूँ तो मुझे राजेश से प्यार हो गया था। मुझे राजेश का झुकाव मेरी तरफ महसूस होने लगा था। राजेश के दिल में भी मेरे लिए कुछ था, ज़रूर मैंने जानने की कोशिश की, किंतु मुंह से कह नहीं पाई। मैंने राजेश को रंग लगाया तो उसने भी मुझे किचन में अकेले में मुझे रंग लगा दिया। मेरे देवर ने मुझसे प्यार भरी नज़रों से देखा। मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और मैंने राजेश को बाहों में भरकर प्यार का इजहार कर दिया। राजेश भी मुझसे अपने प्यार का इजहार करके बोला, आरती डार्लिंग, आई लव यू। मैं तो
तुमको साल भर पहले से ही अपनी पत्नी मान चुका हूँ। और यह कहते हुए वो मुझे चूमने लगा। कोई देख ना ले, इसलिए मैंने तुरंत ही अपने आप को राजेश से अलग कर लिया। राजेश मुझे कहने लगा, आरती तू मेरी जिंदगी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस जन्म ना सही, अगले जन्म में मैं तुमको अपनी पत्नी रूप में पाना चाहता हूँ। आरती तुम मुझे से अपना पति मानो या मत मानो, मैं तुमको अपनी पत्नी मानता रहूँगा। मैं कुछ नहीं बोली। मैंने राजेश को चाय दी तो उसने मुझे पकड़ कर गोद में बैठा लिया। तो मैंने राजेश को कहा, यार कोई देख लेगा। मैं राजेश से अलग होकर साइड में बैठ गई। हम दोनों ने बहुत देर तक बातें की। राजेश ने मुझसे कहा, आरती मुझे तुम्हारा तन नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ। उस दिन रात को मैंने पतीश को दिन की सारी बात बताई। पतीश बहुत खुश हो गए और बोले, अब तुम राजेश को बुला लो। मैंने कहा, राजेश मुझे अब आपके सामने नहीं प्यार करेगा, वो आपको बहुत मानता है। पतीश ने कहा, अकेले में तुम इस बार मैं उससे बात करो, तुम उसके साथ शादी कर लो, फिर तो वो अपनी पत्नी मानकर प्यार करेगा। पतीश ने मेरी और राजेश की शादी की प्लानिंग की। हमारा घर 2 मंजिल है। नीचे मेरे जेठ जेठानी और सास ससुर और घर वाले रहते हैं। ऊपर मैं, पतीश और बच्चे रहते हैं। पतीश ने मुझसे कहा, राजेश को आज ऊपर हॉल में ही सुला लेंगे। रात को मैं बच्चों को लेकर बेडरूम में जल्दी ही सो जाऊंगा। तुम हॉल में उसके साथ बातें करती रहना। जब उसको लगे कि मैं सो गया हूँ, तुम बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद करके उसको सिंदूर देते हुए बोलना, राजेश मेरी मांग भरकर मुझे अपनी पत्नी बना लो। रात होने पर हमने ऐसे ही किया। रात को पतीश और बच्चों को सो जाने में मैंने चुपके से बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। मैं आकर राजेश के पास लेट गई। राजेश ने कहा, भाई उठ गए? तो मैंने कहा, वो एक बार सोने के बाद सुबह ही उठते हैं। राजेश को मैंने सिंदूर देते हुए कहा, तुम मेरी मांग भर कर मुझे अपनी पत्नी बना लो। इस पर राजेश ने कहा, यार मैं अपने भाई के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा, यार तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे अपनी पत्नी मानते हो, फिर क्यों नहीं मेरी मांग भर सकते हो? थोड़ी देर बाद राजेश तैयार हो गया। लेकिन राजेश ने कहा, हम कल शादी करेंगे, मुझे भी शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ देर बाद तय करने के बाद राजेश की बाहों में ही सो गई। अगले दिन रात को मैं शादी का लिबास यानी दुल्हन के कपड़े पहनकर राजेश के सामने आई और उसको बोला, राजेश तुम्हारी दुल्हन तैयार है। राजेश ने भी उस रात दूल्हे के लिबास में तैयार हो गया था। तब राजेश ने मुझे प्यार से अपने पास बैठाया और सिंदूर से मेरी मांग भर दी। तभी उसने मुझे एक फूल माला दी और कहा कि अपने दूल्हे को वरमाला पहना दो। मैंने शर्माते हुए वरमाला राजेश के गले में पहना दी। फिर राजेश ने मुझे वरमाला पहना दी। इसके पश्चात हम दोनों ने घर में बने मंदिर के सामने भगवान को भोग लगाकर भगवान को प्रणाम किया। मैंने राजेश को अपना पति बना लिया था। राजेश ने भी मुझे अपना बना लिया था। जब मैं दुल्हन की तरह शर्मा रही थी, राजेश ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार करते हुए मुझे हाल में ही बिस्तर पर गिरा कर मुझे किस करने लगा। धीरे धीरे राजेश ने मेरे सारे गहने और कपड़े निकाल दिए थे। मैं राजेश के सामने बिल्कुल नंगी हो गई थी। मैंने दिन में ही वैक्स करवाई थी, इसलिए मेरी टांगें एकदम चिकनी हो रही थी। राजेश ने मुझे प्यार करते हुए राजेश ने मुझे पूछा, आरती क्या हुआ? मैंने कहा, राजेश तुमसे प्यार करने का बहुत मन हो रहा है, तुम्हारे भाई से मैं बोर हो गई हूँ। अब राजेश भी शिकारियाँ ले रहा था। राजेश ने मुझे नीचे गिरा और तेज तेज झटका देने लगा। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में फंसा लिया और एक जोर झटका दिया। मेरी चीख निकल गई। वो तो शुक्र था कि राजेश ने मेरे मुंह
मैं मुंह दे रखा था, इसलिए मेरी चीख बाहर नहीं निकल पाई। मैं दर्द के मारे तड़प रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे आज ही मुझे जन्नत मिली हो। करीब 3 मिनट बाद मैं अकड़ गई और राजेश के झटके बहुत तेज हो गए। मैंने राजेश को जड़ लिया था। राजेश ने एक जोर का झटका दिया और मैं पानी बचदानी में पहुंच गई, ये महसूस हुआ मुझे। इस तरह उस रात राजेश ने कई बार बजाया। सुबह 4 बजे थे। मैंने राजेश को कहा, अब मैं बेडरूम में जाती हूँ। बेडरूम की कुंडी खोली मैंने तो अंदर 35 जगे हुए थे। 35 ने मुझे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। मुझे 35 ने बताया कि मैं रोशनदान से तुमको देख रहा था। मैंने 35 को कहा, यार एक गलती हो गई। 35 ने मुझे पूछा, क्या गलती हो गई? मैंने 35 को बताया कि राजेश ने अंदर ही पानी छोड़ दिया है, मैं गर्भवती हो सकती हूँ। तो 35 ने मुझे कहा, आरती कोई बात नहीं, वो भी तुम्हारा पति ही है। अगर भी जाओगे तो प्यार की निशानी पैदा कर लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगले महीने मुझे पीरियड नहीं आया तो मैंने चेक करवाया तो सचमुच में मेरे पैर भारी हो गए थे। ठीक 9 महीने बाद राहुल ने जन्म लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी स्टोरी? अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले कहानी के साथ।